अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद मुस्तफा और आप देख रहे हैं हमारा पैरा चैनल ट्रैक विद ज़ियां। आज हम बात करेंगे पीटीआई के नहायत ही दलेर इंसान, जो पीटीआई की सफों से निकल के फ्रंट पे उसने लीड किया, जिसका नाम है जनाब शेर अफजल मरवत खान। उनकी कुछ वीडियो है, उन पर रिएक्ट करेंगे। उनके जो अंदाज गुफ्तगू है वो बहुत लोग पसंद करते हैं और उस पर बहुत सराहते भी हैं और उस पर बहुत अच्छे कमेंट भी करते हैं। उनका एक सबसे प्यारा जुमला था, चले वो एक जुमला सुनते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। ये फिर उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो गया? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा? प्रोग्राम तो बढ़ गया। ये इनका जुमला था जिनसे इनको बहुत ज्यादा पेशदाराई मिली। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनको जब एक उनके साथी ने कहा, ये सुने जी जरा। हाँ जी, चंदन सवाल दिन दिन। हाँ तो जिन्होंने करना है वो करे। जैसी शौक मोहब्बत ना प्यार ना आ ही रहे हैं तो तुम सवाल कर लो। गल असा की करना है? गल तो मैं तुसनु दसा छोड़ा है। अच्छा, इसके अलावा कुल क्यामत का समा है और बस बाकी तो क्यामत लगी है, सिर्फ दजाल का इंतजार है, वो भी सुनाई की छुआ रहे हैं। तो साफी ने सवाल किया लड़कियों के बारे में, तो उस पे उनका दिलचस्प कमेंट थे, ये भी जरा समाज की थी। मुरीद है यूट्यूब पे और सोशल मीडिया, लड़कियां बड़ी आपकी तस्वीरें लगाते हैं, मुरीद बनी है। ये वीडियो जो है मेरी बेगम भी देखती है। और ये लड़कियों की बातें मत करो, मैं हैप्पीली मैरिड रहा हूं। लेकिन आप हीरो हैं पीटीआई के, जितनी भी आप सारे सोशल मीडिया के हैं। यार हीरो मतलब इस उम्र में क्या हीरो हमने बनना है? आप हमें वो बना रहे हैं, वो जो पोस्टर में बद्र मुनीर होता था 60 साल में वो हीरो होता था। सलमान खान भी तो इसी उम्र का है जी। सलमान खान माशाल्लाह कुछ कम नहीं। ये नस्वार वाली सुने बड़ा मजा आएगा आपको। पहले ये बताएं कि आप पठान हैं और पठान नस्वार बहुत लगाते हैं, ये क्यों जरूरी है, कोई खासियत बताएं? पठान जो है, पहली बात तो ये है कि पठान नस्वार से पहले उनकी खूबी ये है कि एक तो ये सादा होते हैं, मुखलिस होते हैं और दलेर होते हैं। वो जहां तक नस्वार की बात आपने की है, नस्वार पठान जो है नस्वार की शनाख्त रखते हैं। कोई गुटखा खाता है, कोई पान पीता है, पिचकारियां लगाई होती है, तो लिहाजा ये क्योंकि हर चीज को कुछ ना कुछ कहीं से मिल जाते, बढ़ गया। आपने कभी ये नहीं कहा कि नस्वार हमारा बढ़ गया? नस्वार जो है वो कभी नहीं बढ़ेगा। नस्वार इंजीनियर मिर्जा जो जेलम के हैं, उनके बारे में इनके तासुरात थे, ये जरा सुनिए। ये बड़े दिलचस्प उन्होंने कमेंट्स दिए थे इनके खिलाफ। ये मौलाना साहब, वो जो मोदी साहब है, हाँ जो जेलम के वो, हाँ हाँ, मैं उसके मैंने बयानात देखे हैं। वो हजरत भी वो कवाल के पीछे जो वो हम नवा नहीं होते जो तालियां बजाते हैं, समझ लो कि कवाल को नए हम नवा मिल गया। वाह बहुत बहुत बात यह है कि वो जो कवालियां गाते हैं उनके पीछे जो तालियां बजाने वाले होते हैं, सेम उसी की तरह इसकी भी हरकत है। मलवेश खटक जो हैं पीटीआई के थे और फिर उन्होंने सुखैर बात किया था, उन्होंने जो सवाल किया था उस पर उन्होंने बड़ा दिलचस्प कमेंट दिया। इंशाल्लाह मैं चैलेंज दे रहा हूँ, इंशाल्लाह इस पीटीआई को केपी में तोड़ के दिखाऊंगा। परवेश खटक जो है उसको मजबूत करने वाले शायद सोचते होंगे कि गोया ये खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ के तोड़ का सबब बन सकेगा। खुद परवेश खटक ने अपनी पार्टी का बुनियाद रखते हुए ये कहा था कि मैं पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ को तोड़ूंगा। आप सबको इलम है इसकी अपनी सलाहियत गन्ना तोड़ने की नहीं है। इसमें हंसने की बात नहीं है, ये वाकई है। आप वो दिखा दें कि वो गन्ना तोड़ सकता है जिसके गन्ने तोड़ने की सलाहियत नहीं है। और जो हर वक्त आप देखें हुक्के की नली की तरह कुड़ कुड़ करता रहता है,
और जहरीला धुआं छोड़ता है, और वो जहर उसकी तमाम बातों की डायरेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान होता। ये उनकी शेर अफजल मरवा खान की आखिरी वीडियो, जिसके बाद हम आपसे ज्यादा चाहेंगे, आपके ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इंशाल्लाह नए मौजूद के साथ भी मिलेंगे। और ये उनकी लास्ट वीडियो जिसमें वो जज्बाती हो गए थे, और उन्होंने एक जो उनके साथी थे या उनके साथ गुफ्तगू कर उनसे लड़ाई भी कर दी थी, तो ये लास्ट उनकी वीडियो इसके बाद एंड। बूटों को चाटते चाटते यहाँ तक पहुंचा है इमरान खान, बूट दूसरों को भाषण दे रहे हैं भागने के, बूट इतना बड़ा बूट चाट नहीं करनी, उम्र किया है इमरान खान है, इमरान खान को नकली है, बूट चाट है इमरान खान, उससे बड़ा तो बूट चाट भाई कोई नहीं। जनरल मुशर्रफ से शुरू करके जितने जूते उसने चाटे हैं उसका तो कोई मुझे बताने को मिलता है तो ना मिले। खानदानी बूट चाट है वो खानदानी हराम खोर भी है, यहूदी है, यहूदी औलाद है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप है। खान की मोहब्बत में उनको खान से बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा मुर्शिद कहते हैं इमरान खान को, और इस वजह से वो बड़े जज्बाती हो गए थे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, अभी तक हम इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।